नमस्कार, क्रिएटिविटी विद्यार्थी में आप सभी का स्वागत है। पापड़ हम कई तरह से और बहुत सारी चीजों के बनाते हैं, तो आज हम सूजी के पापड़ बनाएंगे। सूजी के पापड़ की ही तरह हम ज्वार, बाजरा और मक्के के पापड़ बना सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे होते हैं। सूजी के पापड़ या किसी भी तरह के पापड़ हम इस सीजन में बनाकर स्टोर कर दें, तो साल भर इसे यूज करें। तो चलिए हम सूजी के पापड़ बनाना शुरू करते हैं। सूजी के पापड़ बनाने के लिए हमने एक बाउल ले लिया। इसमें हम 2 कप सूजी डालेंगे। सूजी हम बारीक वाली लेंगे, यदि मोटी है तो उससे हम मिक्सर जार में पीस लेंगे। अब हमने गैस पर एक पतीला चढ़ा दिया और इसमें हम 8 कप पानी डालेंगे। जिस कप से हमने सूजी लिया है उसी कप से हम पानी डालेंगे, मतलब कि 2 कप सूजी है तो 8 कप पानी डालेंगे, 1 कप सूजी में 4 कप पानी। तो इसी क्वांटिटी में यदि हम डालेंगे तो हमारा पापड़ बहुत अच्छा बनेगा। और स्वादानुसार 1 चम्मच नमक डाल दिया। ध्यान रहे पापड़ में नमक की मात्रा ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि पापड़ में नमक यदि थोड़ा भी ज़्यादा हो जाता है तो पापड़ बेकार हो जाते हैं। और अब हमने 1 चम्मच जीरा डाल दिया। यदि आप अजवाइन का फ्लेवर चाहते हैं तो अजवाइन डाल सकते हैं। इसमें धनिया पत्ती और चिली फ्लेक्स, कसूरी मेथी वगैरह आप डाल सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो। और पानी बॉयल हो गया तो अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी सूजी डालकर इसे लगातार चलाते रहेंगे। हमें चलाना बंद नहीं करना है, लगातार बॉयल होने तक चलाते रहना है। और सूजी भी एकदम नहीं डालना है, थोड़ी थोड़ी सूजी डालकर लगातार चलाना है। देखिए जैसे जैसे सूजी बॉयल हो रही है, गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। तो इस तरह से हमें सूजी को लगातार चलाते हुए पका लेना है। और यदि हम सूजी को जब भी उबालें तो हमें थोड़ा मोटे तले का बर्तन यूज करना चाहिए और लगातार नीचे तले से लगाकर चम्मच से रगड़कर चलाना चाहिए, क्योंकि तले में सूजी बहुत जल्दी बैठने और लगने लगती है। तो सूजी हमारी कंप्लीट तैयार हो गई है। अब हम इसे गरम गरम एक पॉलीथीन पर इस तरह से चम्मच से डालते जाएंगे। हम जिस भी साइज का चम्मच लेंगे तो उसी साइज के सारे पापड़ तैयार होंगे। और यदि हम चाहें तो पापड़ बड़े बना सकते हैं, छोटे बना सकते हैं, अपने मन चाहे आकार से और मन चाहे साइज से पापड़ बना सकते हैं। ये पापड़ बनाना बहुत आसान है, बस चम्मच से निकालिए और डाल दीजिए। शेप अपने आप ले लेता है। यदि आप चाहें तो हल्का सा चम्मच घुमा दीजिए तो पापड़ गोल गोल से तैयार हो जाते हैं। देखिए है ना कितना आसान, बस निकालिए और डाल दीजिए। सूजी को हमें गरम गरम ही फैला देना है, क्योंकि सूजी जैसे जैसे ठंडी होने लगती है गाढ़ी होने लगती है। यदि मान लीजिए सूजी गाढ़ी हो भी जाए, ठंडी हो भी जाए, तो आप बॉयल पानी लेकर इसमें डालकर मिला लीजिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए बॉयल पानी, तो उसका घोल फिर से पतला हो जाएगा। देखिए सारे पापड़ हमने फैला दिए हैं और लगभग 3 से 4 घंटे धूप में रहने के बाद ये पापड़ किनारों से अपने आप ही छोड़ देते हैं और इसे फिर पलट दीजिए। लगभग 3 से 4 घंटे के बाद आप इसे पलट दीजिए। ये धूप लगते ही इसके किनारे छूट जाते हैं। इस तरह से देखिए कितने आसानी से पलट भी जाते हैं। ये पॉलीथीन में आप इस तरह से फैलाइए, पॉलीथीन में पापड़ बहुत आसानी से पलट जाते हैं। और आप चाहें तो किसी थाली या प्लेट में हल्का सा तेल लगा दें और उसमें पापड़ फैला दें तो उसमें भी बन जाते हैं। देखिए 2 दिन धूप लगने के बाद पापड़ बिल्कुल कुरकुरे से सूख गए हैं और कितने पतले और ट्रांसपेरेंट हैं। देखिए आप उंगलियां इस पार से उस पार दिख रही हैं। सूजी के पापड़ बनाने के और भी मेथड्स हैं, पर ये सबसे आसान मेथड है। और इस मेथड से हम ज्वार, बाजरा और मक्के के पापड़ बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। देखिए पापड़ पूरी तरह सूख गए हैं, अब इसे हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस तरह से हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर स्टोर कर सकते हैं और साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं और कुछ पापड़ तलकर बताती हूँ मैं। तो गैस जलाकर इस पर मैंने पैन चढ़ा दिया। पैन हल्का सा गर्म हुआ और इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे, क्योंकि पापड़ हमें डीप फ्राई करने होते हैं। पापड़ के लिए आप जो तेल चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पापड़ डाल देते हैं। बस पापड़ डालकर तुरंत उसे निकाल लीजिए, बहुत जल्दी से सिक जाते हैं पापड़। यदि थोड़ी भी देर ज़्यादा रहेगा तो पापड़ लाल पड़ जाएंगे।
तो तेल गर्म होने पर बस फटाफट डालिए और उन्हें उलट पलट कर निकाल लीजिए। सूजी के पापड़ या किसी भी तरह के पापड़ तलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, फटाफट ये डालिए और हो जाते हैं। तो इस तरह से देखिए सूजी के पापड़ तैयार हैं और इसे मैं आपको तोड़कर बताती हूँ कितने खस्ता और कुरकुरे बने हैं। है ना, ये कितने खस्ता और कुरकुरे पापड़ होते हैं। तो इस मेथड से आप भी बनाइए, ये सबसे आसान मेथड है। और यदि मेथड पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बार फिर मिलते हैं। थैंक यू।